अच्छा लग रहा है एक्चुअली। बहुत ज़्यादा स्पेशल है और इसके लिए मुझे ये मेरा सेकंड अवार्ड है, तो नॉमिनेशंस भी मिल रहे हैं हर जगह और लोगों ने अच्छा पसंद किया है, तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये सॉन्ग मेरे लिए। मैं तो हमेशा से सबको कह रही हूँ स्वैगर है, स्वैगर स्वैगर स्वैगर, लेकिन सब फिर भी स्वेटर ही गाते, तो मैं चलो कोई बात नहीं स्वेटर पहन लो। अच्छा पुराना गाना। अच्छा हाँ, लता जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है, लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। हाय, सामने देखना आ रहा है। वेल आई एम ऑनर्ड टू कम हियर एंड आई थिंक आई एम नॉमिनेटेड फॉर द इन द नेगेटिव कैटेगरी, सो लेट्स सी। अदा कहानी था, अदा ही था। एक्चुअली शेषा के लिए मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बिकॉज शेषा बहुत ही ज़्यादा नहीं हूँ इतनी ज़्यादा अग्रेसिव। सेकेंडली कभी नागिन का किरदार किया नहीं था, सो यू नो डेफिनेटली श्रीदेवी की मूवी देखकर एंड शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी, सो वही सब देख के आई हैव गॉट इन टू द नागिन कैरेक्टर एंड आई होप यू ऑल आर लाइकिंग इट। अगर किसी एक्टर को ऑफ कोर्स अवार्ड मिलता है सो डेफिनेटली एक अलग सी खुशी होती है कि ऑफ कोर्स मेहनत सफल हुई है और जो हार्डवर्क सबने डाला है नो उसका रिवॉर्ड मिलता है, सो डेफिनेटली खुशी डेफिनेटली होती है। थैंक्स अ लॉट, सी यू। हे हाय, हाउ आर यू? यार बहुत सारे अवार्ड्स हैं यहाँ पे, बहुत कम अवार्ड्स होते हैं जो जो जिनको देने वाले एक्चुअली सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं, सो दिस इज़ लाइक अ इम्पोर्टेंट अवार्ड फॉर मी एटलीस्ट। मैंने यार मैं तो अपनी तरफ से करता हूँ, हाँ जैसे इस हाथ से करता हूँ लेकिन इस हाथ को पता नहीं लगने देता उस तरीके से, मैं अपने हिसाब से करता हूँ। मुझे मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी के लिए आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इट्स ऑलवेज गुड टू गिव बैक टू द सोसाइटी इन वट एवर वे यू कैन, कैन बी एनी थिंग, द स्मॉलेस्ट थिंग, नो मैटर वॉट। इट्स लाइक गोइंग टू एन ऑर्फनेज एंड इफ यू डोंट हैव द मनी डोंट पे, जस्ट प्ले विद दोज किड्स, स्माइल विद देम, रीड अ स्टोरी टू देम, कैन बी एनी थिंग, जस्ट इवन ऑफ दैट सॉर्ट, बट गिविंग सम डूइंग समथिंग लाइक दैट। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट गिविंग, इट्स लाइक what your thought is, that is what really counts. यार ये अवार्ड मायने रखता है क्योंकि ये जो देने वाले हैं इसके वो अच्छा काम करते हैं, बाकी सब तो बेचते हैं सब कुछ यार, अवार्ड अवार्ड जो भी होता है टी वी चैनल वाले खरीदते हैं, उनको ब्रॉडकास्टर्स को एडवर्टाइजर से पैसा मिलता है, सो हर सब लोग कहीं ना कहीं से पैसा कमा रहे होते हैं, ये लोग जेन्युइनली कुछ करते हैं सोसाइटी के लिए, तो ये अवार्ड मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे हाईएस्ट है।
एक्साइटेड हूँ मैं. एक्चुअली ये मेरा पहला साल है अवार्ड फंक्शन में ऑफिशियली आने का एज अ वर्किंग मेंबर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री. तो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ऑनर्ड कि उन लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया है. और यहाँ पर ये अवार्ड फंक्शन में होपफुली आई शुड बी विनिंग ऑल्सो नाउ. सो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनना था और फाइनली अभी मेरे पास एक मौका मिल गया है कि मैं पिक्चरें कर सकती हूँ. होपफुली लोगों को मेरा काम पसंद आया एंड आई बी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ये एक्चुअली गारमेंट है निकिता टंडन, एक डिज़ाइनर है दिल्ली से, वो मेरे एक दोस्त भी हैं. सो उन्होंने मेरे लिए डिज़ाइन करके दिया है. यू नो अवार्ड्स इतना मायने नहीं रखता है अगर आप मुझे अप्रिशिएट करें. और इसलिए मैं सारे अवार्ड फंक्शंस में गई हूँ नो मैटर व्हाट, बिकॉज आई एम नॉमिनेटेड और नॉट नॉमिनेटेड, इट्स इंटरेस्टिंग एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ इट एटलीस्ट. सो आई थिंक इनिशियली पीपल गेट बोर्ड, आई हैव हर्ड कि बहुत अवार्ड्स मिल जाते हैं देन दे डोंट केयर. सो आई एम एक्साइटेड, अभी तो पहली बार है. राइट नाउ वी जस्ट इन टॉक्स एंड एवरीथिंग, सो जस्ट गिव मी सम टाइम. थैंक यू. What do you want to me to say? I do not know. Award? Lawrence Award. सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और जब मुझे अवार्ड मिलता है तो मुझे लगता है कि लॉयंस अवार्ड मिल रहा है. यू सी एवरी फील्ड एंड एवरी सेक्टर द पीपल आर वर्किंग फॉर देयर मोटिवेशन टू अचीव समथिंग एंड विद इट व्हेन दे डू ए गुड जॉब दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड दिस अवार्ड्स आर मेंट फॉर रिकॉग्निशन ऑफ दोज पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू देयर सेक्टर टू देयर फील्ड whether it's a science, whether it's sports or movies or NGOs or a social services. The Lions have been known for the social services. So it is to encourage the younger generation to participate in social services like Swachh Bharat and come. So awards is just a recognition for the people who do better. And I'm glad that this award has been instituted and it will encourage younger generation to believe in Swachh Bharat, to act for Swachh Bharat and to remain Swachh themselves. Swachh Bharat ke abhiyan mein hame jo filmein banani hogi us pehle to filmein badi swachh honi chahiye. Us swachh ke liye phir swachh vishay hone chahiye. Phir swachh man hona chahiye, swachh tan hona chahiye aur swachh dhan hona chahiye. हाँ तो मेरे पास है तो मैं तो हमेशा ही स्वच्छ फिल्में बनाता रहा हूँ और बनाता रहूँगा जिसमें कुछ संदेश हो, जिसमें कुछ विकास हो, मानसिक विकास हो. और उम्मीद करता हूँ कि इस साल 2016 में हम मुक्ता आर्ट्स की तरफ से हम लोग दो तीन पिक्चरें शुरू करेंगे. शुक्रिया. हेलो, गुड इवनिंग. क्या तैयारी की?
बहुत सारे सीन्स सारे डायलॉग्स याद करके आई हूँ नथिंग आई एम वेरी एक्साइटेड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टार्ट टू द न्यू ईयर जनवरी में ये अवार्ड मिल रहा है फॉर अ वेरी स्पेशल शो इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर एंड नॉट ओनली दैट दे रिकग्नाइज अवार्ड्स फ्रॉम एवरी फील्ड सो आई एम हैप्पी टू बी हियर दिस इज माई सेकेंड अवार्ड विद द लायंस क्लब तो मज़ा आएगा अभी अंदर देयर इज लॉट्स प्लान्ड थैंक यू यार फाइनली स्लिम हो गई हाँ जी पता नहीं छोटे पर्दे पे भी पतली लग रही हूँ आई एम हैप्पी अबाउट दैट मैंने कभी भी कुछ प्लान ही नहीं किया था लाइफ में आई थॉट आफ्टर जेसी पता नहीं क्या होगा बट आई बीन वेरी लकी वेरी फॉर्चुनेट टू गेट गुड वर्क एंड टू एंड फॉर दिस अप्रिसिएशन एवरी टाइम आई कीप गेटिंग फॉर एवरी शो आई डू तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन बॉम्बे कहते हैं मुंबई नगरिया सबके सपने सच करती है सो येस आई एम लिविंग माई ड्रीम बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एक्टर थैंक यू गुड नाइट थैंक यू कैसे आप अच्छा I'm coming for the first time here, I should say. So you should give me a little leverage that I've come for the first time. But it's my privilege to be a part of it now today. And I'm really excited that I'm going to go inside, see the fashion show. And I'll hopefully by next year might be walking also. So, because I have a film which is coming up next month, by 26th of February, Love Shagun. So I hope by next year they call me for the showstopper too. Yeah, great, thank you. Thank you so much. Thank you.